हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गिटार ट्यूटोरियल का। आज इस वीडियो में और एक बहुत ही खूबसूरत ओल्ड सॉन्ग, बहुत दिनों से ये पेंडिंग था कि ये रेशमी जुल्फे फिल्म दो रास्ते से ये खूबसूरत गीत मोहम्मद रफी साहब का। सबसे मेन बात है कि मैक्सिमम हम लोग जो कॉर्ड स्ट्रमिंग कर लेते हैं वो ड्राम ओरिएंटेड सॉन्ग होते हैं, तो ये जो टिपिकल ढोलक पैटर्न का लक्ष्मीकांत बेरलाल जी का जो होता था, मोस्टली सारे म्यूजिक डायरेक्टर लोगों का होता था, नॉट ओनली लक्ष्मीकांत बेरलाल, लेकिन उनका ढोलक का एक स्पेशलिटी था। तो ये ढोलक स्पेशल सॉन्ग में हम लोग कैसे रिदम गिटार को यूज करें, तो ये भी एक सीखने वाला चीज है, प्रैक्टिस करने वाला बात है। तो चलिए आज ये गाना देख लेते हैं। आप अगर एक गिटारिस्ट है, प्रोफेशनल हो, लर्नर हो, जो भी स्टेज में हो, तो आपका अगर गाने का कॉर्ड स्ट्रमिंग म्यूजिक पार्ट नोट्स एटसेट्रा डिटेल्स चाहिए तो शायद ये चैनल आपके लिए। तो ये चैनल में बने रहिए, फॉलो करते रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ में कमेंट्स भी कीजिए, म्यूजिकल फीडबैक दीजिए, सॉन्ग रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के गीत, ये रेशमी जुल्फे फिल्म दो रास्ते से। ये गीत लिरिक्स आनंद बसी साहब, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और गाना गाए है ग्रेट मोहम्मद रफी साहब ने। तो देखिए जी माइनर स्केल का ये सॉन्ग है। तो सबसे पहले कॉर्ड्स देख लीजिए, वेरी इजी कॉर्ड्स। तो पहले कॉर्ड्स मैं बताता हूँ, फिर उसका रीजन मैं बताता हूँ। तो देखिए ये जी माइनर स्केल में हम लोग अक्सर फोर्थ नोट के लिए सी माइनर यूज कर रहे हैं, लेकिन इधर सी माइनर नहीं, इधर आपको सी मेजर यूज करना है, ठीक है, क्योंकि इधर ई नोट, हाँ, जो सिक्स नोट है वो है शार्ट, सारे कमल धमा पाधा, तो इसलिए आपको मा और धा में आपको सी मेजर यूज करना है, ठीक है। चलिए फिर मैं इसको डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। ये रेशमी जुल्फे सी मेजर, ये शरबती आंखें, सो बी फ्लैट ओके जी माइनर, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, तो ये पूरा जी माइनर, इन्हें देख कर, तो ये जो वेरिएशन लाइन है उसमें आपको सी मेजर चलना है, देख कर जी रहे हैं सभी, तो क्या हुआ, ये रेशमी जुल्फे, सो जी माइनर टू सी मेजर, ये शरबती आंखें, बैक टू जी माइनर, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, तो ये लाइन में सेट प्लेन जी माइनर रखिए। फिर जो वेरिएशन लाइन है, इन्हें देखे, तो इधर सी मेजर, बी फ्लैट, जी रहे, बस यही कॉर्ड, एकदम सिंपल है लेकिन एकदम पॉइंट में जाना चाहिए, ठीक है। और अंतरा तो और भी इजी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, जो ये आंखें शर्म से, पूरा जी माइनर रहेगी और कुछ नहीं, झुक जाएगी सारी बातें, बस रुक जाएगी, ला 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 बजाना, फिर सी मेजर, कोई इनको ना बतलाना, इन्हें चुप रहना ये अफसाना, अफसाना सी मेजर, कोई इनको ना बतलाना, बतलाना भी फ्लैट, ओके, देख कर जी रहे भी सभी, जी माइनर, फिर वो वेरिएशन, इन्हें देख कर जी रहे भी सभी, भी फ्लैट, ओके, जी माइनर, तो अंतर ना ले ना ले ना ले ना 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 ले ना ले ले ना 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 ले ना ले ना ना ले ना ले ना ले ले पूरा एक कंप्लीट जीवन, हाँ, ना ले ना ले ना ले ना ले ना ना सी
क्या बात है कि देखिए वो जमाने में जो गाना होता था मोस्टली सो सेमी इंडियन क्लासिकल, तो उसमें कोई ना कोई एक राग का टच रहता था, ठीक है। तो ये देखिए ये गाना के साथ, मतलब ये नेचुरल माइनर स्केल नहीं है, जी माइनर स्केल, लेकिन ये नेचुरल माइनर नहीं है, ये सा रे कमल गा मा पा शुद्ध धा कमल नी सा जी ए बी फ्लैट सी डी ई एफ जी, काफी काफी ठाटके हुआ, ठीक है। तो नेचुरली आपको जो कॉर्ड्स है वो नेचुरल जी माइनर से थोड़ा हट गया, अभी वो नियम से थोड़ा हट गया, तो जी ए बी फ्लैट सी मेजर, मतलब जी डी मेजर नहीं, डी मेजर नहीं, जी ए जी सी मेजर, देन जी माइनर सी मेजर एफ मेजर जी माइनर, ये सा रे गा मा पा धा नी सा। हाँ, तो उसी हिसाब से ये गाने का जो ट्यून है वो ठाट पे आधारित है, ठीक है। तो इसलिए आपको बस ए ही कोर्स चाहिए, अब इसमें कोई मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हाँ, तो एकदम गाना गलत हो जाएगा, कोर्स गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और अभी जो बात कर रहा था कि ढोलक पैटर्न का, तो देखिए वो इसका मेन जो गाने का वर्ड है झिक्का 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 झिक्का, हाँ, एक फोर फोर जा रहा है, कार बजा रहा है, लेकिन ये ढोलक का यही रिदम है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, चक्कम 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 चक्कम, अभी जो ढोलक का जो तिहाई चल रहा है ये भी आप तिहाई आप ले सकते हैं, उल्टा आप और नहीं तो उधर आपको पॉज रखना होगा, जैसे एक तो स्टार्टिंग ये रेशमी जुल्फे ये शरबतिया के इन्हें देख कर, तो इधर ढोलक का तिहाई वो चल रहा है ता 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 ता, हाँ, इन्हें, तो इधर आप वन स्ट्रोक रखिए, हाँ, वो तिहाई के साथ छ छ नहीं करना है, इन्हें देख कर धीरे धीरे वहां से लिखिए, इन्हें देख कर फुल पैटर्न नहीं बच रहा है, ना रे ना ने ना ने ना 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 बस ना 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 ने ना ने ना ने ने ना 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 ने ना इने देख कर धीरे धीरे सभी इने देख, क्या बात है, बोलिए। तो देखिए ये ढोलक का पैटर्न के साथ ये गिटार स्ट्रमिंग करना ये भी एक आर्ट होता है, तो आप एक खूबसूरत गाना को बहुत अच्छे से ये स्ट्रमिंग पैटर्न प्रैक्टिस कीजिए, और इसका कुछ स्ट्रोक नोट है, हा? तो ये स्ट्रोक पार्ट मैं बता देता हूं, देखिए एकदम स्टार्टिंग में इंट्रो में तो क्या है, एक जी नोट लीजिए, मार दी, लेकिन उसको आपको बी फ्लैट से लेना है, ठीक है। तो आप दो काम कर सकते हैं, मतलब तो
आठ स्ट्रिंग्स है, फर्स्ट नोट ऑलवेज ए बी फ्लैट होना चाहिए, और नहीं तो आपको थोड़ा ये तकलीफ करना होगा। तो फर्स्ट इनटू फोर्थ, साथ में एक मतलब एडिशनल नोट ऐड होते जा रहा है, तो टम 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 डी नोट है, और उसके साथ भी वायलिन का है, ए हो गया आपका इंट्रो। अभी M1 में ये थोड़ा राबा, हाँ मतलब राबा बैंजो फ्लूट्स ये सब मिक्स है, लेकिन मेन जो वो स्ट्रीक मतलब वो स्ट्रोक का ही है राबा का। तो सो जी ए एंड सी, सी बी फ्लैट ए जी, साथ देते रहिए, अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट भी देते रहिए। हैव ए नाइस डे।